हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति, आज आप लोगों को आपके किचन में ही मौजूद और कुछ आपके घर में ही मौजूद ऐसी फर्टिलाइज़र का काम करते हैं जो फ्रेंड आप बाज़ार से भी लाते हो और घर से भी आप उनको बना सकते हो। फ्रेंड नंबर एक पे ये चाय पत्ती की खाद है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धोकर सुखा लिया है। फ्रेंड यह एक बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र होता है, इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके प्लांट के लिए बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड जब भी चाय पत्ती आप इस्तेमाल करिए तो अच्छी तरीके से धोकर ही इस्तेमाल करें। नंबर दो पे फ्रेंड ये अंडे के छिलके हैं, इनको भी मैंने अच्छी तरीके से धोकर सुखा लिया है। और फ्रेंड ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। फ्रेंड इसको भी आप अपने गमलों में, गुलाब के पौधों में और फूलों के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर पोटेशियम, फास्फोरस बहुत ही अच्छी तरीके से भरपूर मात्रा में होता है। और फ्रेंड आप अगर गुलाब में देना चाहते हैं चाय पत्ती को, और इन दोनों को मिला लीजिए, यह एक बहुत ही अच्छा घरेलू फर्टिलाइज़र है। फ्रेंड ये आपको हर घर में आराम से मिल जाती हैं। और फ्रेंड ये पुराने कील हैं, जो हमारे प्लांट्स में आयरन की कमी पूरी करते हैं। इसको आप चाहे तो प्लांट में ऐसे ही किनारे किनारे एक कील गाड़ दीजिए, या इसको पानी में आप भिगो कर रख दीजिए, जो इसका पानी है वो आप प्लांट में डाल दीजिए। यह बहुत ही अच्छा एक आयरन का काम करता है। फ्रेंड इसको भी आप एक बार अपने गार्डन में दबा के देखिए फ्रेंड। और फ्रेंड यह आप मनी प्लांट में और कोई भी आपका इंडोर प्लांट हो उसके अंदर भी आप रख सकते हैं। फ्रेंड जेड प्लांट में भी इसको आप गाड़ कर देखिए और फिर देखिए उसका नतीजा, आप खुद महसूस करेंगे आपके पौधे को जो चीज़ चाहिए वो इन चीज़ों से आसानी से मिल जाते हैं। और फ्रेंड ये बच्चों का लिखने का चौक है। फ्रेंड ये भी हमारे गार्डन में एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, इसको आप चाहे तो गमले में गाड़ दीजिए, या फिर इसका आप पाउडर बनाकर भी दे सकते हैं। ये फ्रेंड आपके गमले की मिट्टी में कैल्शियम की पूरी कमी करता है। फ्रेंड जैसे छोटे छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं, उनको घर में चौक भी पड़े होते हैं तो खा जाते हैं, पर एक बार इनको गमलों में आप यूज़ करके देखिए, ये आपके पौधों में कैल्शियम की कमी भी पूरी कर देंगे। फ्रेंड यह गोबर की खाद का लिक्विड है। फ्रेंड यह हमारी कॉलोनी में जब गाय गोबर कर जाती है तो मैं उसको उठाकर उसका उपला बना लेती हूँ। फ्रेंड ये भी एक फ्री का फर्टिलाइज़र मुझे मिल जाता है। मैं हमारे यहाँ अक्सर गाय कॉलोनी में घूमती रहती हैं। ये देखिए फ्रेंड, आप इसको भी एक बार बेबी सन रोज में थोड़ा सा इसका पानी और चार भाग सादा पानी मिलाकर डाल के देखिए, फिर देखिए आपके बेबी रोज में भी कैसे फूल आएंगे और कैसे उसकी ग्रोथ होगी। ये देखिए फ्रेंड,
बेबी रोज में सिर्फ मैं गोबर की खाद का इस्तेमाल करती हूँ। उसका पानी एक कप में 4 कप पानी मिलाकर मैं इसमें डालती हूँ। ये मैं ऊपर एक छोटी सी कटिंग लगाई थी, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये लगी हुई है। और फ्रेंड ये देखिए एक बहुत ही फर्टिलाइज़र काम का है जो हमारे पौधों के लिए है। ये फ्रेंड खाद जो मैं इकट्ठी करती हूँ इसके अंदर, इसका पानी एक एक बूंद करके इसमें गिरता रहता है। फ्रेंड इसके अंदर भी 4 गुना पानी मिलाकर मैं अपने प्लांट्स में देती हूँ। कह लीजिए तो फ्रेंड यह पौधों के लिए चाय है जो कभी कभी इनको पिलानी पड़ती है। जब जब भरता है तब तब मैं इसका यूज़ करती हूँ। फ्रेंड आप लोगों को मेरी ये फर्टिलाइज़र पे वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ्रेंड थैंक यू। फ्रेंड बाय बाय।